आज प्रकृति भी झूम रही है, आज प्रकृति भी झूम रही है, श्री चरणों को चूम रही है, श्री चरणों को चूम रही है, शुभ मंगल दिवस है। सहस्रार स्वामिनी मोक्ष
मोक्ष प्रदायनी साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निजगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परं देवं
ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता नि रखी परम पद लीन्हा पागु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरहि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरहि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं हिं हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धनी होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामे पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो। बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। बाध करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी भजे सदा हरे उर ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः।
ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुंडा नमः। ॐ मधुकेतवहन्त्री नमः। ॐ नरकांतका नमः। ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिर्डी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी एवरीवन। श्री माताजी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ प्रकृति अपनी छटा को बिखेरे हुए विभिन्न रूपों में विभिन्न देशों सभी देश जो आदि कुंडलिनी माँ के द्वारा निर्मित किए गए जिनका सृजन हुआ विभिन्न चक्रों के रूप में इस विश्व में स्थापित किए गए विभिन्न चक्र जो अलग अलग देशों में स्थापित किए गए जिस प्रकार से हमारे भीतर मां कुंडलिनी के लिए पूरी सोपान है चक्रों के रूप में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है उसी प्रकार से देश एक विभिन्न चक्र को इंगित करते हैं इसीलिए माने हमें वो सारा ज्ञान दिया वो ध्यान दिया जिससे हम इस ज्ञान मार्ग में ध्यान मार्ग में आगे बढ़े। माने हमें वाइब्रेशंस दी जिससे हम सत्यता को जान सके और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। आइए आज के ध्यान में हम सबसे पहले अपनी वाइब्रेटरी अवेयरनेस को किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए माँ के ही सुमुख से जानेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि पूरा विश्व किस प्रकार से माँ आदि कुंडलिनी ने बनाया विभिन्न चक्र बनाए हर देश एक विशेष चक्र को इंगित करता है और सामूहिक चेतना में किस प्रकार से किसी भी देश के अंदर की गतिविधि हमारे उस चक्र को प्रभावित करती है उसी प्रकार जब हम इन पंच तत्वों से ऊपर उठते हैं पंच तत्व जो पूरे विश्व में व्याप्त हैं, जिनके कारण
कि हमारा ये शरीर बना, पूरा विश्व बना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इस प्रकार से जब हम इनके साथ एक रूपता स्थापित करते हैं, तब हम ये जान पाते हैं कि हर तत्व हमारे अंदर किस प्रकार कार्य कर रहा है। हमारी वाइब्रेशंस वायु तत्व के कारण हम महसूस कर पाते हैं। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे पूरे शरीर को प्रकाशमान करता है और हमारे चेहरे के प्रकाश को अन्य लोग भी देख सकते हैं। हमारे जो त्वचा, हमारा जो व्यवहार कोमल हो जाता है, उसका कारण जल तत्व है। हम सॉफ्ट होते हैं, किसी भी बहाव में आसानी से खुल मिल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भीतर अग्नि तत्व तेज के रूप में लोगों को दृश्यमान होता है। ये सभी तत्व जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, तब हम इन तत्वों से भी परे उठ पाते हैं और ब्रह्मांड में हम सब ग्रहों को, जिनको भी मां आदि शक्ति ने एक सुंदर तरीके से सजाया, एक चक्र दूसरे चक्र से मिलता है, एक ग्रह दूसरे ग्रह से जुड़ता हुआ एक सीढ़ी बना के हमको शून्य सरोवर में उस क्षेत्र में फेंक देता है जहां हमारा सामना श्री सदाशिव से होता है और जहां पूर्ण योग महायोग घटित होता है। ये शून्य सरोवर जो ब्रह्मांड के परे है, वहीं पार ब्रह्म परमेश्वर विराजते हैं। चन्हा कोई चक्र या किसी भी तरह का कोई भी पंच तत्व, सप्त धातु, जिनसे शरीर बना, सृष्टि बनी, अंतरिक्ष बना, कुछ भी नहीं है। जहां एक बहुत ही शीतल तापमान, जिसके नीचे शीतलता संभव नहीं, उस तापमान में जहां परम चैतन्य ब्रह्म चैतन्य बन जाता है, हमारा योग घटित होता है श्री सदाशिव के साथ। तो आइए माने जो हमें आशीर्वादित किया निर्विचारिता से, उस निर्विचारिता को हम किस प्रकार से प्रयोग करें और इसी निर्विचारिता में पूर्ण ज्ञान अनुभव के साथ प्राप्त होता है। इस विषय में आज हम कुछ प्रश्न भी लेंगे। आप सभी का, सहयोगियों का जो आत्म साक्षात्कारी है, जिन्होंने अपने आत्मा के तत्व को जाना है, जिनकी आत्मा प्रकाशित है, मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ और इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले, किस प्रकार से हम निर्विचारिता में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी अवेयरनेस, गुण रहस्य भी जान लेते हैं, उसको हम कैसे प्रयोग करें और उसमें कैसे हम बने रहें, इस विषय में माँ की समृत वाणी को सुनेंगे, अंश को सुनेंगे। जय श्रीमाता जी। As such yogis, you all are very well equipped. But we all the time forget
that we have got our vibrations, that we have got a new awareness of vibrations. We have got vibratory awareness. And these vibratory awareness are a kind of a messenger which is absolute, which communicates and which tells us what's wrong with others, what's wrong with us. But if you start taking your decision through your mental, emotional enterprises, then be sure that you'll be misguided. Because all these endeavors are one-sided. Like a mental projection goes like this in a linear way, falls upon. And also a emotional one does the same. Even the physical is just the same. But when you start seeing through the vibrations, what do? Is to ask your spirit to communicate to you. And the spirit is the absolute knowledge. So you do not succumb to your conditioning or to your ego or to any other training or any other guru, but yourself. So it is very important for all of you to understand that we are not going to take any decision on our mental level, but on our vibrations. Many a people think that if I say something about someone, maybe because they have reported it to me. But supposing if I am the source of all the vibrations, what is there for me to get reported? Why should anybody report to me? If they want to report, they may, but I know what exactly is the situation. Once in Rauri, I was waiting in the guest house, and about 5-6 professors came on their bikes. Came and told me, "Mother, we have come to warn you about a particular gentleman." I said, "Who is this gentleman?" They gave the name of this gentleman. Said, "You have to be very careful, he's a politician." I said, "All right, that's all you know about him?" He said, "Yes." "So you have to be very careful." I said, "Now I'll tell you about him. That this man has not married his wife. She's the wife of somebody else. And he has eloped with this woman. And the child is his. But this lady was raped by him, that's how he's got the child." When I started telling, you know, they all started raising their eyebrows and opening their eyes. Said, "Mother, how do you know?" I said, "You will find out. Whatever I'm seeing, is it true or not?" They were completely stunned. They went back and then reported to me that, "Mother, it's surprising what you said was the truth." So on vibrations, you can know everything. But those who try to decide things without vibrations can make mistakes till you reach a certain stage where you don't have to spread your hands to ask, just you know. But to go to that stage, you have to first of all surrender your discretion to vibrations. Now some people don't have proper vibrations. Maybe their Vishuddhis are bad. They should take proper care of their Vishuddhis. Even then, if they don't have some physical problem on the Vishuddhi, they can feel it within themselves. What chakras are catching? What is happening to this gentleman? Jayashri Mataji. अब हम ध्यान की ओर अग्रसर होंगे. ध्यान के पश्चात कुछ प्रश्न आप सबके लिए.
पूरा चित्त बाएं हृदय में उतारेंगे। हमारी आत्मा जिसका वास बाएं हृदय के अंदर है, उसके संपर्क में अपने चित्त को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे, जिससे वो आत्मा के गुणों को प्राप्त कर सके। सत्य साक्षी अकर्मता धीरे से अपने चित्त को मध्य में लाएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर पूर्ण रूप से अपने चित्त को ले आएंगे। मूलाधार चक्र पे चित्त रखेंगे, रीढ़ की हड्डी के एकदम भीतर ब्रह्म नाड़ी के निचले सिरे पे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही मंगलकारी हैं, आप ही पवित्र हैं, आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, आप मेरे भीतर बाई ओर स्वास्थ्य रूप में परम चैतन्य के द्वारा प्रवाहित हैं, आप मेरे दाई ओर ओंकार स्वरूप में परम चैतन्य के द्वारा प्रवाहित है। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए मेरे आत्म साक्षात्कार को सिद्ध कीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, जिस प्रयोजन से महाधिशक्ति ने मेरे यंत्र को तैयार किया है, इस यंत्र का प्रयोजन सिद्ध कीजिए। शिकनेश, हे विघ्नहर्ता शिकनेश, कोई भी सांसारिक या आत्मिक उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, जो मेरे चित्त को विचलित करती हैं, उन्हें आप पूर्ण रूप से समूल नष्ट कर दीजिए, हर लीजिए। मेरी हर चक्र में विराजमान हो जाएगी मां कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मेरी ब्रह्म नाड़ी में स्थित सभी चक्रों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, मैं आपका आवाहन करती मेरे मूलाधार चक्र भी विराजित हुई है। महसूस करेंगे श्री गणेश को मूलाधार चक्र में घटित होने देंगे जो श्री गणेश के गुणों और शक्तियों से पूर्ण रूप से
ओतप्रोत होके अपने चित्त को उठाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र में। रीढ़ की हड्डी के अंदर चित्त, ब्रह्म नाड़ी पर चित्त, महसूस करेंगे श्री ब्रह्म देव सरस्वती को, उनके गुणों और शक्तियों को। विराजित हो जाए, कृपा कीजिए। इस चक्र को महसूस करेंगे घूमता हुआ, अपने हर चक्र पे पूर्ण चित्त देंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर मणिपुर चक्र के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, महसूस कर सकते हैं इसकी गति। चित्त को ऊपर उठाएंगे नाभि चक्र पे, पूर्ण रूप से पुष्पित पल्लवित नाभि चक्र। महसूस करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण को, पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊर्जा को महसूस करेंगे। खिचड़ी मुद्रा का अनुभव कर रहे हैं। महसूस करेंगे इस चक्र को, पूरा चित्त, पूरा फोकस नाभि चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर। एक दबाव, आशीर्वादित हो रहे हैं। चित्त को उठाएंगे जगदम्बा चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्टर्नम बोन के पीछे। गणों के उद्भव को महसूस करेंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में। पूरा ब्रह्मांड समाया है, महसूस करेंगे हम किस प्रकार से सब चक्रों से और देवी देवताओं से संबंधित हैं इस चक्र के माध्यम से। महसूस करेंगे इस चक्र को, माँ जगदम्बा को। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, रीढ़ की हड्डी के अंदर बढ़ते रहेंगे अंदर अंदर अंदर, ब्रह्म नाड़ी में, उभरी हुई हड्डी के अंदर विशुद्धि चक्र। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे, उनकी उपस्थिति का एहसास खिचड़ी मुद्रा से करेंगे। विशुद्ध आत्मा है, पूर्ण रूप से निर्दोष है हम। विराट का अंग प्रत्यंग है हम। पूरा चित्त विशुद्धि चक्र, ध्यान केंद्रित,
यशोदी चक्र पे चित्त को उठाएंगे वैराग्य चक्र में, उभरे हुए सिर के अंदर ये चक्र, श्री महागणेश को नमन करके वंदना करके अपने पूर्वजों के अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे, क्षमा कीजिए प्रभु मेरे पूर्वजों को उनके अपराधों को। महसूस कर सकते हैं इस चक्र की धड़कन को, धीरे से चित्त को लाएंगे दोनों कानों से होते हुए मध्याज्ञा में, सबको क्षमा करेंगे, श्री जीसस क्राइस्ट को नमन करेंगे, आशीर्वादित हो ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, ब्रह्मरंध्र से बाहर आती हुई कुंडलिनी शक्ति महसूस करेंगे, परम चैतन्य को पूरे सहस्त्रार के भीतर माँ के शी चरणों को ब्रह्मरंध्र पे महसूस करेंगे, हे परम पावनी मां कृपा कीजिए मेरे शरीर के ऊपर के चक्रों को भी पार कीजिए, जिससे मैं आकाश तक पहुंच सकूं, जिससे मेरा चित्त चैतन्य में लीन हो जाए, आगे की यात्रा को सफल कीजिए। श्री माता जी पूर्ण योग का वरदान दीजिए। श्री माता जी आशीर्वादित होके चित्त को ऊपर उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र, जो हमारे सर के ऊपर 3-4 इंच के लगभग दूरी पे है, महसूस करेंगे ये कहाँ है अर्ध बिंदु, घूम रहा है चक्र, और ऊपर उठाएंगे चित्त को बिंदु चक्र पे, महसूस करेंगे इस चक्र बहुत सुंदर अनुभूति, और ऊपर उठाएंगे वलय चक्र पे, महसूस करेंगे इस चक्र को वो स्थान जहां कुंडलिनी को बांधते हैं बंधन लेने के समय, वलय चक्र चूड़ी के आकार का, महसूस करेंगे वलय चक्र को, परम चैतन्य बरस रहा है निरंतर, हमको भिगो रहा है, भीगते रहेंगे निरंतर, वलय से ऊपर उठाएंगे चित्त को आकाश में ले जाएंगे, आकाश से बरसने लगा है परम चैतन्य पूरे विश्व पे, फैलाएंगे चित्त अमेरिका नॉर्थ साउथ अफ्रीका अंटार्कटिका यूरोप पूरा यूरोप एशिया
पूरा एशिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पंच तत्वों में फैलाएंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश के परे ही चलेंगे, अंतरिक्ष में, नवग्रहों के बीच, मंगल ग्रह, मूलाधार चक्र, श्री गणेश को नमन करेंगे, ऑरेंज श्रेड, बुध ग्रह, स्वाधिष्ठान चक्र, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को नमन करेंगे, चमकीला, एकदम चमकीला है, बृहस्पति ग्रह, एक फुटबॉल की तरह सफेद और चारों तरफ ब्राउन धारियां, बृहस्पति ग्रह, नाभि चक्र, भव सागर, श्री लक्ष्मी नारायण का वास है इस चक्र में, आदि गुरु दत्तात्रेय का वास है इस चक्र में, शुक्र ग्रह चंद्रमा के समान चमकीला, जगदम्बा का चक्र है, नमन करेंगे, विशुद्धि चक्र शनि ग्रह, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, चारों तरफ एक रिंग की तरह, सुदर्शन चक्र है ये श्री कृष्ण का, दंडाधिकारी श्री कृष्ण, हमारे सब चक्र जागृत है, सब ग्रह प्रसन्न है, सूर्य आज्ञा चक्र, श्री जीसस क्राइस्ट, चंद्रमा सहस्त्रार, सहस्त्रार की देवी माँ निर्मला, शीतलता में रहते आदि शक्ति और श्री सदाशिव, अर्थ बिंदु, अरुण बिंदु, वलय बिंदु, वरुण, अरुण, वरुण और वलय, लोटो, ये भी शीतल ज्वाला, जहां जहां माँ का नाम है वहां शीतलता है, जहां जहां माँ का वास है वहां शीतलता है, पूरा अंतरिक्ष अनुशासन में, आदिशक्ति की रचना, सहज व्यवस्था, ओम की ध्वनि निरंतर यहाँ बहती रहती है, सम्मिलित संवेद स्वर सभी ग्रहों का महसूस करें, ओ
ऊपर चलेंगे, भेदन करेंगे अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का, पार ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में शून्य सरोवर, एब्सोल्यूट जीरो, कोई गति नहीं है यहाँ। चित्त श्री सदाशिव के श्री चरणों में दर्शन करेंगे प्रभु का, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम आपके प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, हमें अपने हृदय में समा लीजिए परम पिता। समा जाएंगे प्रभु के अंदर, समा जाएंगे समाते चले जाएंगे प्रभु के पुण्य का कार्य। न मैं हूं, न तू तू है, तुझ में मैं और मुझ में तू, पूर्ण योग, धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे और परिक्रमा करेंगे प्रभु की वलय के साथ, महादि शक्ति के साथ, बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है, इस अनुभव को महसूस करेंगे, धीरे से डिटैच करेंगे अपने आप को वलय से, श्री चरणों में आएंगे परम पिता के, हे प्रभु, हाथ पैर से, शरीर के किसी भी अंग से, मन वचन या कर्म से, यदि कभी भी कोई अपराध हुआ हो आपके खिलाफ, मादी शक्ति के खिलाफ, तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, शिव शंभु, आपके जय जयकार, आपके जय जयकार, आपके जय जयकार। धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, आकाश में, सहस्त्रार पे, मां चरणों में नमन करेंगे, हे मादि शक्ति, हे मां निर्मला, हम आपके यंत्र, हमारा प्रयोग कीजिए, मैं आपकी हूँ, मेरा जीवन आपका, मेरा सब कुछ आपका, श्री माता जी, महसूस करेंगे परम चैतन्य को पूरे शरीर में, पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर,
सब चक्रों में, हाथों में, पैरों में, चित्त को फैलाएंगे चारों। परिवार भी, समाज भी, पूरे देश में, विश्व में, सभी साधकों के ऊपर परम चेतन की वर्षा करेंगे अपने चित्त से, और भीगने देंगे सबको परम चेतन। सारी नकारात्मकताएं धुल रही हैं, परम चैतन्य का प्रेम फैल रहा है। पूरे विश्व में सभी सहज योगियों के ऊपर चित्त को रखेंगे, बहुत सुंदर। धीरे धीरे चित्त को वापस लाएंगे घर परिवार पे, पूरे घर पे, और हर उस स्थान पे जहां हमारा चित्त जाता है या जहां हम जाते हैं। परम चैतन्य फैलने देंगे, वापस चित्त को लाएंगे श्री माता जी के श्री चरणों में, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमारा प्रयोग किया, अपने यंत्र का प्रयोग किया। धन्यवाद श्री माता जी। फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस। थैंक यू श्रीमती जी, अगेन एंड अगेन, इनफाइनाइट सैल्यूटेशन एट योर लोटस फीट। थैंक यू श्रीमती जी। धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे, विश्राम करेंगे, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। कुछ प्रश्न रखेंगे यहाँ पे ताकि हमको और क्लैरिटी आ जाए। माँ आदि शक्ति के प्रवचनों से हमने जो लगभग 7,000 के भी ऊपर है, जिसमें माँ ने सारा ज्ञान भी दिया है और हमने अपनी थॉटलेस अवेयरनेस में उनको महसूस भी किया है, तो सबसे पहले जो सबसे कम चर्चित है कि किस किस देश में कहाँ कहाँ पे चक्र हैं हमारे जो आदि कुंडलिनी माँ ने बनाए, जो हमारे चक्रों से भी संबंधित हैं क्योंकि हम सामूहिक चेतना में हैं। तो एक बार इसको देखेंगे हम लोग। कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिख रही, दिख रही। तो सबसे पहले मूलाधार में क्या लिखा हुआ है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे मूलाधार चक्र में परेशानी आएगी ही, चाहे हम चाहें चाहे हम ना चाहें। हम एक अकेला व्यक्तित्व तो नहीं है, हम पूरे विश्व से, अंतरिक्ष से जुड़े हुए मनुष्य हैं। महामानव माँ ने हमको अति मानव बनाया इन चक्रों को जागृत करके।
ठीक है। सो ये मूलाधार चक्र में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और हमारे दाएं मूलाधार में कौन सा चक्र, कौन सा देश है? आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड अफ्रीका, न्यूजीलैंड। है ना। तो न्यूजीलैंड और अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, तस्मानिया सागर से जुड़े हुए हैं, एक ही है एक तरह से। तो श्री गणेश और श्री कार्तिकेय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है। और कुंडलिनी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, यानी भारत में है ना। इसीलिए यहाँ पे अष्ट विनायक भी हैं जो स्वयंभू हैं, क्योंकि कुंडलिनी की रक्षा हमेशा श्री गणेश जी करते हैं, मूलाधार चक्र करता है, इसीलिए यहाँ अष्ट विनायक है। ठीक है। अब हमारा बायां स्वाधिष्ठान जो कि निर्मल विद्या का है, वो वहां पे कौन से देश हैं? दो, अफ्रीका और अफ्रीका, नेपाल। नेपाल। अब आपको पता है कि ये मतलब इन लोगों का जो भी नॉलेज है वो पूरी तरह से मतलब वो भारत की तरफ आकर्षित है। जैसे नेपाल भी हम जानते हैं, ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र है पूरे विश्व में। तो ये जो नॉलेज का चक्र है, ये हमारा कौन सा देश है? अगर अफ्रीका, उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, फिर भी वो अगर वहां से हटता है, उस ज्ञान से हटता है, अफ्रीका हटता है, तो बाएं स्वाधिष्ठान हमारा कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग में तो माँ आदिशक्ति ने जो भी जो चक्र स्थापित किए विश्व में, अगर वहां डिस्टरबेंस है, तो हमारे चक्र में डिस्टरबेंस लेफ्ट स्वाधिष्ठान में हमेशा रहेगा। तो हमें, इसीलिए हमें पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा विश्व हमारे भीतर समाया है, हमारे चक्रों के भीतर। ठीक है। फिर हमारा जो नाभि है वो कौन सा है? आप पढ़ सकते हैं, इजिप्ट एंड यूरोप, मध्य नाभि, यूरोप। यूरोप, है ना। तो इस यूरोप में तो सारा पूरा यूरोप ही एक तरह से आ गया, लेकिन पूरा ये कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप है, वो हमारा नाभि है। ठीक है ना। सो आपको पता ही है कि जर्मनी कितना शानदार देश है, इकोनॉमिकली कितना साउंड है, सबसे साउंड जर्मनी है ना। और हमारी जो लेफ्ट नाभि है वो ऑस्ट्रिया है। और जो हमारी, अच्छा, जो लेफ्ट नाभि है, ये लेफ्ट नाभि और लेफ्ट स्वाधिष्ठान का घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए यहाँ पे हम हजरत अली फातिमा बी को दोनों चक्रों पे उनका मंत्र भी लेते हैं। ठीक है। तो आप सब कुछ जो भी आपकी नॉलेज है उसको पूरे को इंटीग्रेट करें कि कौन सा चक्र किस देश में है, वहां पे डेटीज कौन कौन से हैं, और किस तरह से वो हमको प्रभावित करते हैं। और आप, ठीक है, दाई नाभि में फ्रांस है, यस। कैन यू ऑल सी? ओके। सो स्विट्जरलैंड और मध्य पूर्व, है ना, ये पूरे देखो हमारे भवसागर के क्षेत्र में आ रहा है, तो इसको पूरा पूरा अलग से वो करना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे चक्र भी एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। फिर मध्य हृदय में है हमारा आयरलैंड एंड कोलकाता। माँ ने बहुत बार बताया कोलकाता, है ना। आयरलैंड आपको पता है ना, इंग्लैंड का ही जो ऊपरी हिस्सा है, बहुत ठंडा हिस्सा, वो आयरलैंड है। ठीक है। और हमारा बायां हृदय इंग्लैंड है, और हमारा दायां हृदय जापान और जर्मनी है ना। और इन दोनों ही जगह बहुत ज्यादा पारिवारिक संबंधों को बहुत मान्यता है, भारत से हम रिलेट यदि करें तो। और विशुद्धि हमारा मध्य अमेरिका है, दाई विशुद्धि उत्तरी अमेरिका, बाई विशुद्धि दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। बाकी दूसरी भी कंट्रीज लिखी हुई हैं, लेकिन मेन ये है। हंसा हमारा न्यूयॉर्क है, ठीक है, दिस न्यूयॉर्क। और आज्ञा हमारा यरूशलम, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, और वो अपने आप में एक अकेली कंट्री मानी जाती है। पैलेस्टाइन एंड बेथलहम, ठीक है, दैट इज अवर आज्ञा,
वो आपको पता है जीसस क्राइस्ट से संबंधित है तीनों कंट्रीज। और अहंकार जो हमारा राइट आ गया है वो है रशिया, और प्रति अहंकार सुपर ईगो है चाइना। इसीलिए कितने पावरफुल कंट्रीज हैं। और सहस्रार हमारा हिमालय है, पीड़ा नाड़ी गंगा नदी है, पिंगला नाड़ी यमुना नदी है, और सुषुम्ना विलुप्त होती हुई नदी सरस्वती है। वो विलुप्त आप जानती हैं कितनी पतली ब्रह्म नाड़ी है सुषुम्ना के भी भीतर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ऑल राइट, सो आई एम रिमूविंग दिस नाउ। अब हमने चक्रों और ग्रहों का तो बहुत ही क्लैरिटी मेरे ख्याल से सबको होगी, है ना सबको क्लैरिटी? जी जी दीदी, आज हम सुनेंगे अंतरिक्ष की, हमारे सूर्य की और विविध ग्रहों की आवाज। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अंतरिक्ष में आवाज मौजूद नहीं होती तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अंतरिक्ष में भी विविध आवाजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है, जो यूं तो हमारे लिए सुन पाना असंभव है, लेकिन आज विविध उपकरणों द्वारा अंतरिक्ष में मौजूद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके कारण हम अंतरिक्ष में मौजूद आवाजें सुन सकते हैं। याद रहे कि इन आवाजों को विविध प्लैनेट्स के चुंबकीय क्षेत्र से लिया जाता है और उन्हें ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सुनते हैं विविध ग्रहों की आवाज, और अगर हो सके तो आप हेडफोन्स को जरूर पहन लीजिए ताकि आपको ये आवाजें ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बुध ग्रह की आवाज। शुक्र ग्रह की आवाज। यदि आप पहचान रहे हैं तो ये इसका संवेद स्वर बनता है। ओ, तो आप ये ओम के साथ इसको रिलेट कीजिए ऊपर। और यही टंकार ध्वनि है, जब आदि शक्ति श्री सदाशिव से अलग हुई तभी ये टंकार ध्वनि हुई, यही ओम की ध्वनि है, और यही हमारे घंटा नाद की भी ध्वनि है जो मंदिरों में हम सुनते हैं। हमारी पृथ्वी की आवाज। मंगल ग्रह की आवाज। गुरु ग्रह की आवाज। शनि ग्रह की आवाज। यूरेनस ग्रह की आवाज। नेपच्यून ग्रह की आवाज। सूर्य की आवाज।
प्लूटो की आवाज। चंद्र की आवाज। ब्रह्मांड की आवाज। जय श्री माता जी। सो आपने सुना जो ये आवाजें हैं, ये सब उस टंकार ध्वनि की आवाजों में मिल जाती हैं। सो अकार, उकार और मकार, तो ये आवाजें हैं जो हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में सम्मिलित आवाजें हैं, और प्लैनेट्स की सबकी आवाजें ओम की आवाज में और ध्वनि में, नाद में निहित हैं। तो इसीलिए जब हम ओम बोलते हैं, हमारे हर मंत्र की शुरुआत ओम से है, और इसीलिए जहीं हम बीज मंत्र बोलते हैं, ओम लम 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 तो ये ध्वनि से वो चक्र जागृत होता है। इसीलिए जब हम ओंकार बोलते हैं तो इसका प्रभाव सब चक्रों पे पड़ता है, क्योंकि वो ग्रहों से संबंधित है, उस ध्वनि से संबंधित है और सम्मिलित स्वर है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी भी चीज जो हमने अभी देखी और जानी? कोई संदेह है इसमें? क्योंकि ये हम ध्यान रोज कर रहे हैं, तो क्या हमको इसका अनुभव आ रहा है? ओंकार की ध्वनि से क्या हम गहन ध्यान में चले जाते हैं? जी, मैं पढ़ना है ओंकार का, चले जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, तो हमको अर्धबिंदु, बिंदु, वलय, ये सब चक्र पता है कहाँ पे हैं हमारे सर के ऊपर? कोई बताएगा एक जना मुझे? अपर्णा आप बताइए। जी, हमारे सहस्रार से जैसे तीन, मुझे जो फील होता है, तीन चार इंच ऊपर अर्धबिंदु, फिर उसके चार इंच ऊपर करीब बिंदु, और जहाँ हम बांधते हैं अपनी कुंडलिनी वहां पर वलय। पर मुझे चूड़ी जैसा छोटा नहीं, मेरे सिर के जितनी परिधि है उतना मुझे फील होता है कि मेरा वलय है। तो देखिए, ये आपको चूड़ी के आकार का है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो तो बहुत विशाल है। वो तो सदाशिव की जब हम परिक्रमा करते हैं वहां पे है वो ओरिजिनल बल है, क्योंकि जब आदिशक्ति शिव से दूर होना पड़ा उनको, टंकार की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि हुई, तो वो जैसे हम शिव में जब समा जाते हैं, हम भी अलग नहीं होना चाहते, हमारी भी श्री आदिशक्ति जैसी स्थिति हो जाती है, हम उनसे अलग ही नहीं होना चाहते। तो पास पास रहने के लिए उनके क्या करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं। तो जो वलय है वो श्री सदाशिव की परिक्रमा है, उसी से वो उस शेप का निर्माण हुआ वलय का, क्योंकि वो उनसे दूर नहीं होना चाह रहे थे। हाँ, वलय पे ही शिव विधि दिखते हैं, और जो हम शून्य सरोवर में महसूस करते हैं वो वलय पे ही महसूस होता है। हाँ, वो सेम है। देखो, एक तो शून्य सरोवर में है जो वलय और सदाशिव, वो ओरिजिनल फॉर्म में, उसके बाद आदिशक्ति का पूरा जो भी उन्होंने विश्व की रचना, फिर अंतरिक्ष, फिर विश्व की रचना, और विश्व की रचना में कहाँ है शिव? कैलाश मानसरोवर में, है ना? तो इस तरह से, और हमारे कहाँ पे है, हमारे भीतर अगर हम देखें, सदाशिव हमारे बिंदु चक्र पे है, लेकिन उनका प्रतिबिंब कहाँ पे है? हमारी आत्मा पे, आत्मा पे। क्योंकि इन दोनों के, और आदिशक्ति का जो
जो वलय रूप में हम देखते हैं और आदि शक्ति माँ निर्मला जो है वो हमारे भीतर कहाँ स्थित है, कुंडलनी रूप में स्थित है, ठीक है ना? जी ठीक है। सो कोई प्रश्न है या फिर इस वर्कशॉप को यहीं खत्म करें हम लोग? दीदी, जैसे चित्त तो सदैव सहस्त्रार पे ही रहता है और वाइब्रेशंस भी रहती है। चित्त तो और भी ऊपर रह सकता है हमारा, तो वो तो जैसे ही आंख बंद करो जहां भी जाना चाहे वहां चले जाते हैं। हाँ, लेकिन चित्त हमारा अब इस समय काफी उच्च अवस्था में रहता होगा जो मुझे लगता है। कभी भी आंख बंद करें आप तुरंत ध्यान में होंगे। ध्यान में चले जाते हैं। जी दीदी, ये स्थिति तो है दीदी, मतलब कि अगर कहीं भी बैठे हैं, हम आंख बंद किए हैं और अगर प्रयोग करते तो वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सोचें, देखें यार क्या हो रहा है मेरी नाभि में, अपने ही अंदर आप किसी भी चक्र पे चित्त करें तो भी आप ध्यान में, इसका मतलब आप किस अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में बिना। अभी मतलब जो खेचरी मुद्रा के बारे में पहले पता भी नहीं था, अभी ध्यान करते ही हर चक्र पे है, मतलब खेचरी मुद्रा का अनुभव बहुत इजीली महसूस होती है सब। अच्छा, खेचरी मुद्रा का है ना, जो तालु क्षेत्र है हमारा, जैसे हम मुंह खोलते हैं और जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से भेद के कुंडलनी ऊपर निकलती है। इसको अगर हम एक सुई से या एक किसी से नीचे से ऊपर की तरफ हम करें तो ब्रह्मरंध्र पे खुलेगा वो तालु क्षेत्र, इसीलिए ब्रह्मरंध्र को तालु क्षेत्र कहते हैं। और तालु एक्चुअली में कहाँ है, ये मुंह के अंदर जहाँ हम जीभ ऊपर लगाते हैं वो तालु क्षेत्र है ना। तो यहाँ से कुंडली निकल के ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है और इसी के बीचों बीच में पीले रंग का आज्ञा चक्र का बीज है। महसूस हुआ है कभी ऐसे होता हुआ? दीदी आप बोल रहे हो तो महसूस हो रहा है। हाँ दीदी दीदी, जैसे हम ये खेचरी मुद्रा बता रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है मुंह में पानी भर जाता है। हाँ, पानी भर जाता है बिल्कुल, ये अमृत है, ये अमृत है। आपको पता भी नहीं है कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ब्रह्मांड के परे से आ रहा है जो आपके मुंह में बह रहा है ना। ये ही खेचरी मुद्रा है। मान के एक लेक्चर में भी है ना, लोग मुझे कहते हैं ऐसे जो कि माँ हमारी खेचरी मुद्रा कब लगेगी, माँ हमारा ये कब होगा। अरे जब ध्यान में निर्विकल्पता में उतरेंगे तब खेचरी मुद्रा स्वतः ही स्वतः हो जाएगी, है ना। ये स्वतः होने वाली चीज है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से। खेचरी मुद्रा सिर्फ सामूहिक रूप से ध्यान करने पे ही मिलेगी, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि हम सामूहिकता में ध्यान कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल ध्यान करने वालों को नहीं नहीं, नहीं मिल सकती। जी अलका जी, बिल्कुल सही है ना। हाँ पर आजकल जब हम लोग अकेले भी जैसे ध्यान करते हैं ना, तो जो आपकी जो वीडियो मतलब पुरानी वाली चलाकर तो भी लग जाती है खेचरी मुद्रा। हाँ बिल्कुल लगती होगी, क्योंकि वो अकेले में ध्यान नहीं है अपर्णा जी, मैं आपके साथ हूँ, पूरी सामूहिकता आपके साथ है। सामूहिकता में होता है ना। अभी मैं दिवाली पे तीन लोग हम बैठे थे कहने को, लेकिन मुझे लगा मैं हजारों के साथ पूजा कर रही हूँ। तो आप अकेले कहाँ रह गए हो, आप अकेले नहीं है, हम सब साथ में, हम सब हमेशा साथ में, इसलिए वो खेचरी मुद्रा तुरंत लगते। हम सामूहिक चेतना है ना, हम सामूहिक चेतना में जीने लग पड़े हैं। किसी को भी कोई समस्या होगी, हर हर मतलब जो भी सामूहिक चेतना में है, चाहे इस सामूहिकता में है चाहे नहीं है, उसको भी वो समस्या हो जाएगी। ये है सामूहिक चेतना, हम एक दूसरे को जीते हैं। तो ध्यान में अगर आप गए तो हम सब साथ ही तो हैं, साथ है ना। ठीक है जी दीदी, और तो कोई प्रश्न नहीं, बंद करें। ये सारे प्रश्नों के हल आपके साथ ध्यान करने से अपने आप ही खत्म होने तो पता ही नहीं प्रश्न है। हाँ, खेचरी मुद्रा जब लगने लगी सारे प्रश्न कुछ प्रश्न रहते भी ना, वो ध्यान में होते होते अपने आप ही मतलब कब उसका आंसर भी मिल जाता है पता ही नहीं चलता है कि ये पूछना है या कुछ भी। पहले सोचते हैं कि आपसे पूछेंगे लेकिन फिर वो अपने आप ही उसका आंसर मिल जाता है। सही बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, माँ आदि शक्ति की कृपा ऐसी बनी रहे। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। जय श्री माता जी का बेटा सभी भाई। जय श्री माता जी को। यंत्र का अति सुंदर। जय श्री माता।